आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बहुत ही ज्यादा खस्ता और क्रिस्पी हरी मेथी की मटरी बनाना बताती हूँ कैसे बनाई जाती है। ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है, बहुत जल्दी भी बनके तैयार हो जाती है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मटरी बनाने के लिए ये हमने एक कप मेथी ली, जिसे हमने अच्छे से साफ करके छोटे छोटे पीस में काट लिया है। 2 कप गेहूं का आटा, ये वही वाला आटा है जिसे हम चपाती बनाते हैं। आप गेहूं के आटे की जगह मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम पैन के अंदर 1 टीस्पून देसी घी डाल देते हैं। आप घी की जगह ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी डालने से क्या हुआ कि मटरी बहुत ही ज्यादा खस्ता बन के तैयार होंगी। अब जो हमने मेथी ली थी वो डाल देते। अब हम मेथी को 1 से 2 मिनट करीब लगातार चलाते हुए मेथी को हल्का सा सॉफ्ट कर लेते हैं। उससे क्या होगा कि एक तो मेथी सॉफ्ट हो जाएगी और मेथी के अंदर जो कड़वापन होता है वो भी निकल जाएगा। 2 मिनट करीब हो गए हैं, आप देख पा रहे हैं मेथी भी सॉफ्ट हो गई है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, मेथी को ठंडा होने देते हैं। जब तक मेथी ठंडी हो रही है हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। ये हमने मिक्सिंग बाउल लिया है, अब हम इसमें आटा डाल देते हैं। अब हम इस मटरी को खस्ता और क्रिस्पी बनाने के लिए 1/2 कप सूजी डालेंगे। मटरी में कुछ मसालों का इस्तेमाल करेंगे, उसकी वजह से मटरी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनके तैयार होंगी। ये हमने 1/2 टीस्पून जीरा लिया है वो डाल देते हैं। 1 चुटकी हींग, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। 1/2 टीस्पून अजवाइन, अजवाइन को हाथ से क्रश करके डालेंगे जिससे खुशबू अच्छी आएगी। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, इससे कलर अच्छा आएगा। 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, इससे मटरियां चटपटी बनके तैयार होंगी। मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी कमी या ज्यादा भी कर सकते हैं। आप चाहें तो हरी मिर्च को भी काट करके डाल सकते हैं। 2 टीस्पून सफेद वाले तेल, इससे मटरी खाने में टेस्टी लगेगी और देखने में भी सुंदर लगेंगी। नमक टेस्ट के अनुसार। अब हम मटरियों को खस्ता करने के लिए इसके अंदर 3 टेबल स्पून देसी घी डाल देते हैं। आप देसी घी की जगह ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देसी घी से जब हम मटरी बनाते हैं तो बहुत ही ज्यादा खस्ता और टेस्टी बनके तैयार होती है। अब जो हमने मेथी ली थी वो डाल देते हैं। सभी चीजों को हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हम जितनी अच्छे से सभी चीजों को मिक्स करेंगे मटरियां उतनी ही ज्यादा खस्ता बनके तैयार होंगी। हमें इस तरीके से सभी चीजों को मिक्स करना है। ये हमने सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम मौन चेक कर लेते हैं। देखिए हम मुट्ठी बांध रहे हैं तो मुट्ठी बंद रही है, इसका मतलब मौन सही है। ये हमने 1 कप पानी लिया है, नॉर्मल टेम्परेचर पर है। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके डो बनाएंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे जिससे कि ज्यादा ना हो जाए। हमें इसका डो बिल्कुल उसी तरीके से बनाना है जैसे कि हम पूड़ियों का बनाते हैं। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं। ये हमने डो बना लिया है, हमें बस इसी टाइप का डो चाहिए। ये ना ही ज्यादा सख्त है और ना ही ज्यादा लूज। इस डो को बनाने में 1 कप से कम पानी का इस्तेमाल हुआ है, 2 टेबल स्पून करीब पानी बच गया है। पानी थोड़ा सा आटे के ऊपर भी डिपेंड करता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। अब हम हाथ में थोड़ा सा घी लेकर के इस डो को थोड़ा सा और चिकना कर देते। अब ये आटा चिकना हो गया है। अब हम इस आटे को 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं और ढक देते हैं। 20 मिनट करीब हो गए हैं, अब ये डो भी सेट हो गया है। अब हम इस डो को थोड़ा सा और चिकना कर लेते हैं। अब ये डो चिकना हो गया है, अब हम इसकी लोइयां तोड़ लेते हैं। हम इसकी 3 लोई तोड़ेंगे, इसमें से हम 1 लोई ले लेते हैं और 2 लोई को हम ढक करके रख देते हैं। अब हम इस लोई को थोड़ा सा और चिकना कर लेते हैं और इस तरीके से लोई बना लेते हैं। देखिए लोई बन गई है। अब हम इस लोई को सूखे आटे में लपेट लेते हैं। ये हमने लोई को सूखे आटे में लपेट लिया है। अब हम इसे बेलेंगे, हमें इसे थोड़ा सा मोटा ही बेलना है। ये हमने लोई को बेल लिया है, अब मैं इसे पास से भी दिखा देती हूँ। देखिए हमें इतना मोटा बेलना है। अब हम मटरियों को काट लेते हैं। इसके लिए ये हमने कुकी कटर लिया है, हम मटरियों को इस कुकी कटर से काटेंगे। अगर आपके पास कुकी कटर नहीं है
अगर आपके पास इस टाइप का छोटा सा कोई ग्लास है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे डिजाइन वाली साइड से काट लेते हैं। इस तरीके से हमें मटकियों को काटना है। आप चाहें तो इस तरीके से ग्लास से भी काट सकते हैं, या आपके पास कोई छोटी कटोरी है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जो भी तरीका पसंद आता है आप उस तरीके से इन मटकियों को काट सकते हैं। ये मटरियां खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। आप इन मटरियों को एक बार जरूर बनाइएगा, आपको भी ये मटरियां बहुत ज्यादा पसंद आएंगी। आप इसे चाय के साथ खाएं तो खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। ये हमने मटरियों को काट लिया है। अब जो साइड में एक्स्ट्रा है हम उसको निकाल देते। ये जो मटरियों के साइड में जो एक्स्ट्रा डो था वो हमने निकाल लिया है। इसका इस्तेमाल जब हम दूसरी मटरियां बनाएंगे उसमें कर लेंगे। अब मैं मटरियों को आपको पास से भी दिखा देती हूँ। देखिए मटरियां देखने में कितनी सुंदर लग रही है। अब हम मटरियों में फॉक्सेस छेद कर देते हैं जिससे कि मटरियां फूलेंगी नहीं। और पीछे से भी हमें इस तरीके से मटरियों में छेद करने हैं। इस तरीके से हम सभी मटरियों को बना के तैयार कर लेंगे। अब ये सभी मटरियां बनके तैयार हो गई है। अब हम मटरियों को फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए हमने कढ़ाई में ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। अब ये ऑयल गरम हो गया है। मटरियों को फ्राई करने के लिए हमें मीडियम हाई ऑयल गरम चाहिए। अब हम मटरियों को इसके अंदर डाल देते हैं। जितनी मटरियां आएंगी हम उतनी मटरी डालेंगे। अब हम मटरियों को फ्राई होने देते हैं। हम इन्हें स्लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे जिससे कि ये अच्छे से अंदर तक सिक्के तैयार हो। जब ये हल्के गोल्डन कलर की हो जाएगी इसके बाद हम इनको पलटेंगे और जैसे जैसे मटरियां तलती जाएंगी वो ऊपर आती जाएंगी। आप देख पा रहे हैं मटरियां ऊपर आना शुरू हो गई हैं। अब हम इनको पलट देते हैं। हमें इन मटरियों को उलट पलट के गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। हम मटरियों को जितना स्लो मीडियम फ्लेम पे तलेंगे उतनी ही ज्यादा ये खस्ता बन के तैयार होंगी। अब हम इन्हें फ्राई होने देते हैं। जब ये दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर की तल जाएंगी इसके बाद हम इनको निकालेंगे। इन मटरियों को तलने में थोड़ा सा टाइम जरूर ज्यादा लगता है लेकिन ये मटरियां खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसका मैसेज आप तक सबसे पहले आए। ये एकदम फ्री है। अब ये मटरियां चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई हैं और खस्ता भी हो गई हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। अब मैं आपको सुना भी देती हूँ। आप सुन पा रही हैं मटरियां खस्ता और क्रिस्पी हो गई हैं। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। ये हमने मटरियों को निकाल लिया है। अब हम कढ़ाई में और मटरी डाल देते हैं। इन मटरियों को भी हम बिल्कुल उसी तरीके से तल लेंगे जैसे हमने पहले तली थी। अब ये सभी मटरियां बनके तैयार हो गई हैं। आप देख पा रहे हैं आटे और मेथी की कितनी बढ़िया मटरियां बनके तैयार हुई हैं। अब मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। देखिए कितनी बढ़िया मेथी की मटरी बनके तैयार हुई है। अब मैं आपको पीछे से भी दिखा देती हूँ। देखिए देखने में कितनी सुंदर लग रही है। ये मटरियां खाने में भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। हमने इसमें हरी मेथी का इस्तेमाल किया है। इसकी जगह आप चाहे तो सूखी वाली मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कितनी खस्ता और क्रिस्पी बनी है।
बनी है ना कितनी क्रिस्पी और खस्ता। देखिए बनी है ना बिल्कुल खस्ता। ये मठरियाँ खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती हैं। आप भी इनको बनाइए खाइए, फिर मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको ये मठरियाँ कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स करके मुझे ये जरूर बताइए कि आप इन मठरियों को कब बना रहे हैं। मैंने आपको जिस तरीके से बनाना बताया है अगर आप उस तरीके से बनाएंगे तो आपकी मठरी भी बिल्कुल ऐसी ही बनके तैयार होंगी। आप इन मठरियों को एयर टाइट डिब्बे में भर के 1 से 2 महीने के लिए रख सकते हैं और जब भी खाने की इच्छा है आप निकाल करके खा सकते हैं। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसे आप प्रेस करना ना भूलिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब हम फिर मिलते हैं इसी तरह की टेस्टी रेसिपी के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।